अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। आज की वीडियो देखने का आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली। इससे पहले बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज मैंने बिंदी अच्छे से लगाई होगी, है ना? ठीक से लगाई है ना, क्योंकि उस दिन मैंने वो बिंदी बनाई थी और नीचे ये जो डॉट होता है ये नहीं लगाया था। और ऐसे मैंने ब्लैक में लगाई थी तो हमारे व्यूअर्स हमें बोल रहे थे कि आप रेड में बिंदी लगाएं तो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज अच्छी लगाई होगी। जी, हम लोग आज सुनने वाले हैं, हम हैं अयोध्या राम मंदिर और बीट्स ऑन डोलताशा के, मतलब राम मंदिर की खुशी में। आपको पता है कि डोलताशा जो होता है वो महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्रियन ही हैं जो कि जाके उन्होंने वहाँ पे ये बजाया है। और मुझे लगता है वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और मजेदार होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी होगी और एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर देखते हैं आज की वीडियो। मतलब सेम वो जो होता है ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब होती है ना, उस टाइम पे ऐसे मतलब ढोल बजाते हैं, मैंने देखा हुआ है। ओके, वही बीट है, औरतें भी साथ में मिलके लगी हुई होती है ना, तो वो देखने का और ज्यादा मजा आता है। सीरियसली बहुत कमाल की बीट है। खुशी दिख रही है सबकी। शंख की आवाज मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। सीरियस से सब मिलके इतना अच्छा ढोल बजा रहे हैं। डमरू की आवाज ना, मुझे महादेव याद आ जाते हैं इससे। वैसे वो बीट भी महादेव का ही नाम ले रहे थे, फिर भी ओ हो हो। एनर्जी देखने वाली है इनकी। बहुत जोश है, बहुत ज्यादा जोश है। इतने बड़े बड़े ढोल उठा के औरतें मतलब बजाती हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत आती है सीरियसली।
बहुत अमेजिंग बीट बनाते हैं ये और बजाते हैं सच में। ये जो महाराष्ट्र वाले हैं ना, इनका वो होता है ना कि ढोल ताशा का स्वैग ही अलग है। ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है ना, इसके अलावा भी कहीं होता है। और ये जो छोटा वाला ढोल है ना, इसकी आवाज़ ज़्यादा है। ढोल नहीं बोलते होंगे। Seriously, मराठी में बोल रहे हैं शायद कुछ। सीरियसली बहुत ज़्यादा
अलग अलग इतनी ज्यादा पीक्स है ना, मतलब सीरियसली वो लोग थक ही नहीं रहे हैं, इतनी एनर्जी थक ही नहीं रहे। उछल उछल के कर रहे हैं वो, इतना मजबूत ढोल हो वो। कितना जोश है, सीरियसली। वाओ, मुझे तो लग नहीं रहा कि वो अभी भी थके हैं।
सीरियसली अमेजिंग है जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो और इतनी खूबसूरत वीडियो क्या कभी आप लोगों ने देखी है मतलब आज तो मैंने नहीं देखी आज की मेरी अभी मतलब वो जो सॉन्ग है जिंगर्ट सॉन्ग मतलब मैं बोलूँगी वो मैंने बनाया और मुझे लगा कि यार मराठी म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है वो वाकई में होती है उस सॉन्ग में जितनी ज़्यादा एनर्जी है ना वो फील हमें हो रही होती है और वो हमें पता लग रहा होता है कि यार मतलब क्या दम है उस सॉन्ग में। लेकिन ये जो डोल ताशा है ना सीरियसली ये इतनी अमेजिंग आवाज़ है इसकी मतलब वो जो बीट्स हैं एक वीडियो में 15 मिनट की वीडियो थी और मुझे लगा कि शायद मैं 8-9 मिनट की वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद में भी कि म्यूज़िक या फिर कुछ अलग हो और उतनी वीडियो बनाऊंगी लेकिन नहीं मतलब मैं पूरी वीडियो नहीं बनाती और वो जो फील थी और वो जो मज़ा आ रहा था वो वीडियो देखने का वो होता ना ख़राब हो जाता वो देख के इतनी अमेजिंग थी। और वही के जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि मैंने महाराष्ट्र में ऐसे जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती होती है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे ये ढोल बजाते हुए मतलब कि देखा है उसमें फीमेल्स और मेल दोनों होते हैं और मिलके वो और उनका जो जोश जज्बा जुनून और जो मोहब्बत और जो प्यार हम लोगों को दिख रहा होता है उनके लिए वो हमें फील हो रहा होता है इस वीडियो में। वो महादेव का नाम बार बार ले रहे थे और शिवाजी का नाम भी और भगवान गणेश जी का नाम भी और उसके अलावा राम जी का नाम क्योंकि वो राम मंदिर में वहाँ पे आए थे और वहाँ पे आके उन्होंने ये पूरा परफॉर्म किया है और सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड और होता है ना कि लोगों को कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था वहाँ पे जो दूसरे लोग थे और वो खुद मतलब बजाते हुए वो जो बजा रहे होते हैं उनको कितना ज़्यादा मज़ा आता है साथ साथ वो फील हो रहा था क्योंकि उनके मुंह पे वो जो स्माइल हो रहती है और उनका जो जोश दिख रहा होता है वो ढोल इतना हैवी ढोल होता है एक पैर से वो ऐसे ऊपर उठाते हैं तो और फीमेल्स भी उनके साथ साथ औरतें भी होती हैं और वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा ना हैरान में होती हूँ इतने बड़े बड़े ढोल थे और कमाल है सीरियसली। वही बात है कि मोहब्बत की बात होती है भक्ति की बात होती है और वो जब हो तो फिर हिम्मत आ जाती है आप में जहाँ से भी आए वो फिर आपको फील नहीं होता वो हैवी आपको फिर फील नहीं होता है। और इसमें एक वो जो बड़ा वाला ढोल था उसको तो ढोल बोलेंगे जो छोटा वाला था उसको हम लोग ढोलकी बोलते हैं मतलब जो छोटी होती है ढोलकी और उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है इस पूरी बीट में सबसे ज़्यादा आवाज़ उसकी थी। और वो जो एक स्टील का था स्टील का ऐसे पकड़े हुए थे बजा रहे थे बीच बीच में उसकी म्यूज़िक की आवाज़ और शंख की आवाज़ ये चार साउंड्स थे जो कि मिल के एक बहुत ही अमेजिंग बीट बना रहे थे और लोगों को सुनने को मिल रही थी और हमें सुनने को मिली और सिर्फ एक बीट नहीं थी अलग अलग वो बीट और अलग अलग होता है ना कि क्या बोलेंगे म्यूज़िक था सीरियसली अलग अलग। अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें कितनी ज़्यादा वो होता है ना कि एक टीम वर्क होता है तो बहुत अमेजिंग टीम वर्क था सबका। उनको पता है किस जगह पे हम लोगों को ये ढोल बजाना है इस जगह पे हम लोगों को शंख बजाना है इस जगह पे हम लोगों को वो जो स्टील का था वो उसका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको लेकिन उसकी आवाज़ भी बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी और मुझे ये वीडियो ख़ास तौर पर इनका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और मैं जब भी देखती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे व्यूवर मुझे बोल रहे थे कि शिवाजी महाराज की जयंती की वीडियो भी बनाओ तो मैं वो भी लेकर आऊँगी लेकिन ये वीडियो मुझे मिली थी और मुझे लगा कि आप लोगों को देख के मज़ा आएगा और ये बहुत अमेजिंग वीडियो थी। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा आपको मिलेंगे ऐसी और बहुत सी वीडियोज़ में भी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल।